का सदा अंदाज ओंकार दास मणिपुरी की पहचान है। उनके अभिनय कौशल का परचम रंगमंच से लेकर सिनेमाई पर्दे तक लहराता है। ओंकार दास मणिपुरी ने अपनी पहली फिल्म पीपली लाइफ से धाक जमाई। नत्था के किरदार ने ओंकार की जिंदगी बदल दी। भिलाई में जन्मे ओंकार दास मणिपुरी गुदड़ी के लाल है। बचपन अभाव में गुजरा, पांचवी तक ही पढ़ाई कर पाए। छत्तीसगढ़ में नाचा देखने और नुक्कड़ नाटक करने वाले ओंकार ने लंबा संघर्ष किया। कभी किराने की दुकान पर नौकरी तो कभी किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर वो गुजर बसर करते थे। आखिरकार उन्होंने छत्तीसगढ़ में लोकगीत का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहाँ कुछ आमदनी हुई तो भोपाल में हबीब तनवीर के ग्रुप से जुड़कर नाटक करने लगे। यही उनका नाटक पीपली लाइव फिल्म के निर्माता ने देखा। ओंकार दास बड़े पर्दे पर आए और छा गए। साल 2022 में ओंकार दास के अभिनय से सजी फिल्म भूलम द मेज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। तो स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के देशी कलाकार ओंकार दास मणिपुरी जी का। स्वागत है ओंकार जी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 इंडिया टीम को, उनके परिवार को, जो मुझे इस मंच पे आने का अवसर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, इस मंच पे, मतलब बड़े मंच पे, बड़े पर्दे पर कैसे पहुंचे आप? बचपन से ये चाहते थे जी? यहां तक के पहुंचने का तो बहुत लंबी कहानी है। मैं एक छत्तीसगढ़ में गरीब किसान के घर से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म भूमि गांव है, यहाँ रायपुर दुर्ग राजनांदगांव के पास एक मऊहा भाटा गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1969 में। और गरीब किसान होने के कारण मेरे माँ बाप हर साल पलायन करते थे, इस कारण मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाया। लेकिन बचपन से मैं बहुत चुलबुला था, जैसे डिब्बा हुआ, रामलीला देख लिया बचपन में तो उसका नकल करना, नाचा देखा तो नाचा का नकल करना, इस टाइप का मेरा स्वभाव था। लेकिन स्थाई हम छत्तीसगढ़ में रुक नहीं पाते थे। हमारे माँ बाप जो है बचपन से हमें पलायन करने ले जाता था, कभी महाराष्ट्र चला गया, वर्धा नागपुर चला गया, कभी और किसी शहर में चला गया, ऐसे जाते रहे। तो 1981 में मेरे माता पिता जी जो हैं उस छोटे से गांव मऊहा भाटा से भिलाई पलायन करने आया। वहाँ मेरे पिताजी को एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा, तो वहाँ पे हम स्थायी हो गए और आज तक के भिलाई में ही घर है। तो भिलाई में आने के बाद फिर से मैं, मतलब पढ़ाई तो करता नहीं था, घूमता था, माँ बाप काम में जाते थे और एक मेरा छोटा भाई था उसको लेके मैं इधर उधर घूमता था, उसका देखरेख करता था। फिर आसपास वाले बोला कि तुम्हारे बच्चे जो बच्चा जो है ओंकार बहुत अच्छा है, उसको कलाकारी का शौक है, तो इसको बिगड़ने मत दो, इसको स्कूल में डालो। तो मेरे माता पिता जी जो हैं, बिंदानगर में रहता हूँ मैं भिलाई में, तो वहाँ एक छः खंभे का स्कूल था पहली से तीसरी तक के, तो उस स्कूल में ले जाके मुझे भर्ती कराया गया।
तो उस वक्त तक के मेरा उम्र 12 वर्ष की हो गया था, क्योंकि मैंने दूसरी तक के महाराष्ट्र में पढ़ाई किया, वहाँ से फिर वापस छत्तीसगढ़ गांव आया महुआ भाटा, फिर महुआ भाटा में आके फिर पहली से चालू किया, फिर 2-3 साल वहाँ पढ़ के फिर भिलाई आ गए, ऐसे ऐसे तो 12 साल की उम्र में स्थायी रूप से 5वीं तक के मेरा पढ़ाई हुआ है भिलाई में। ओंकार जी, लेकिन आप ओंकार जी ये बताइए, क्योंकि पढ़ाई की आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या अगर पढ़ाई अच्छे से हुई होती तो कला के क्षेत्र में और नाम हुआ होता, या दोनों अलग अलग चीज है? मैं ऐसा समझता हूँ कि हाँ, ये भी बात सही है, अगर मेरा पढ़ाई अच्छा से हुआ होता तो शायद मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उसके लिए मुझे फायदा होता, क्योंकि अंग्रेजी बोल सकता अच्छा से, पढ़े लिखे तरीका से समझ के बात कर सकता था। तो ये अभी थोड़ा खलता है कि मैं आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, या पढ़ाई करते तो शायद इस फील्ड में आते ही नहीं। जी, ये भी हो सकता है, नहीं आ सकता था। या उनका दादी, हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी प्रतिभाओं की पढ़ाई इतनी बाखूबी की है कि एक कैरेक्टर आपने नत्था का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया इतनी शिद्दत, आज तक याद करते हो उस कैरेक्टर को, ये कह सकते हैं कि आपने प्रतिभा की इतनी पढ़ाई की। आप स्टैंड अप कॉमेडियन रहे, आपको डांसिंग का भी शौक था, आप कॉमेडी भी करते थे, थिएटर भी करते थे। जी 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 जी, हाँ, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा प्रतिभा ही है जो यहाँ तक के मुझे ले आया है, क्योंकि जब मैं पहले शुरुआत में जब माँ बाप जब मैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गणेश पक्ष दुर्गा पक्ष में नाचा या लोकगीत का प्रोग्राम होता था, तो उस समय मैं करीबन 13-14-15 साल का हो गया था, तो देखने जाता था नाचा, और रात भर देख के जब सुबह मैं घर पे आता था तो मेरे पिताजी बोलता था कि तू रात भर नाच देख के आ रहा है, तो डांटता भी था, डांट सुनने को भी मिलता था। फिर एक दिन मुझे बोला कि देखना मत सीख, देखने के लिए देखने से कुछ नहीं होगा, दिखाना सीख। तो इससे फिर वो पहले आकाशवाणी रायपुर से गाना भी चलता था रेडियो में, हमारे यहाँ के बहुत से फेमस सिंगर थे, जैसे उस हमारे जमाने में केदार यादव थे, बेतर राम साहू था, कुलेश्वर ताम्रकार, तो इनके सब हम गाना सुन सुन के तो ऐसा सीखते गया। तो एक मेरा भाई था, चाचा का बेटा, एक ग्रुप में वो अलाउंसमेंट करने जाता था, तो उन्होंने कहा कि चल मैं आज तुझे अपने टीम में ले चलता हूँ, तुझे बहुत शौक है। तो फिर मैं गया वहाँ, तो बहुत खुश हो गया, जिसका गाना मैं रेडियो पे सुनता था उसको मैं साक्षात सामने देख रहा हूँ, उनके जो गाना बजाना रिहर्सल चल रहा है उसको देख रहा हूँ, तो बहुत खुश हो गया मैं। तो डांस का रिहर्सल चल रहा था, तो मैंने बोला कि मुझे भी डांस करना है, तो अब बोल तो दिया लेकिन उनके हिसाब से मुझे नहीं डांस करने आता था, तो लोगों ने हंस दिया और बैठा दिया। फिर गाने की पारी आई तो मैंने बोला मैं भी गाना गा सकता हूँ, तो गाना गाने के लिए बोला, गाया तो वो बोलता रे बैठ जा परिया ते बहुत बेसुरास, नहीं गा सकस। तो एक तरीका से मेरा बहुत जगह हंसी भी उड़ता था, ना तो मुझे ठीक से डांस करने आता था ना गाना गाने आता था। तो मैंने बहुत यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लोकगीत नाचे में बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते करते एक मुझे एक हमारे ही बिंदानगर के पास रामनगर है, वहाँ एक टीम था नवा किसान करके, तो उस टीम में मैं गया, वो भी टीम उस समय नया नया था, तो वहाँ फिर मैं गया, फिर कॉमेडी वमेडी करने लगा, फिर मैं बोला यार अब मुझे लोग देख के मेरे चाल चलन को देख के हंसते हैं तो मैं कॉमेडी करना ही चालू करता हूँ। फिर यहाँ लोकगीत में प्रहसन में नाचा में इसमें सब मैं कॉमेडी करता था। कितना पैसे मिलते थे उस समय? तो
ऐसा होता था कि कहीं जो कहीं पे पैसा मिल जाता था तो मुश्किल से 150 रुपया मिल गया, वही बहुत होता था। या तो फिर एक तो ऐसा होता था कि हमें खुद मतलब अपने जेब से खर्चा करके जो 25-50 रुपया जेब में पड़ा हुआ है उसको कि मुझे शायद मंच में चांस मिल जाए तो इसलिए मेरे सीनियर को चाय नाश्ता पान वान खिला देता था और कहता था कि मुझे एक गाना में उतार दो, मैं ये गाना में डांस करना चाहता हूँ, तो ऐसा करता था। तो जब आप जाते थे रामलीला देखने, आप नाचा देखने जाते थे उस वक्त के ओंकार दास में और अब जब लोग आपको देखने आ रहे हैं, कितना फर्क है दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है और शायद मैं सोचता हूँ कि जो मेरे पिताजी ने कहा था वो आज पूरा हो रहा है कि देखना मत सीखो दिखाना सीखो, तो आज लोग देख रहे हैं, तो उस बात को सोच के और मुझे बहुत खुशी भी होता है। लेकिन क्या ओंकार दास जी, क्योंकि आपके अब लगातार जो है तरक्की आपने की है, बहुत सारी प्रतिभाएं आप में थी, लेकिन अगर मैं पीपली लाइव के एक रोल की बात करूं, वो क्या किस्सा था, कैसे आपको वो पीपली लाइव का रोल मिला और जब आपने ऑडिशन दिया क्या आपको क्या डायलॉग्स बोले थे उन्होंने कहने के लिए, कुछ याद है आपको अगर आप? हाँ जी, बता सकें। इसका भी पीपली लाइव के पीछे का भी बहुत बड़े कहानी है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोकगीत नवा किसान में ग्रुप में मैं था, तो उस समय हमें 99 में एक नुक्कड़ नाटक लेप्रोसी के ऊपर में करना था, तो वो प्रोजेक्ट मिला हमें बीबीसी लंदन से, तो उसका हमने छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला के से हमने करीबन 200 गांव में शो किए थे और बहुत कुष्ठ रोग के मरीज भी निकाले थे, सबसे ज्यादा हमने निकाले थे तीन टीमें हमारे टीम। तो उसमें उस नुक्कड़ नाटक का जब समापन हुआ तो उस दिन चीफ गेस्ट बन के हबीब साहब जी आए थे दुर्ग में, दुर्ग साक्षरता भवन में, तो उन्होंने हमें पता चला कि हबीब साहब आया हुआ है, हमने नाम सुना था देखा नहीं था, तो जो उस टीम का हमारा डायरेक्टर था विभास उपाध्याय, उन्होंने कहा कि आज आप लोगों को ऐसा परफॉर्मेंस दिखाना है मंच पे कि हबीब साहब आया हुआ है तो तुम में से किसी 2-4 लोगों का भला हो ही जाएगा। तो फिर हमने एक हमारा नाटक था ननपन के बिहाव, हिंदी में कहे तो बाल बिहाव, तो उसके ऊपर में नाटक था, तो वो नाटक हमने किया, हबीब साहब और उनके बेटी नगीन जी माँ जी ये सब देख के बहुत हंसे और उसके बाद फिर हमें उन लोगों ने चयन कर लिया अपने टीम के लिए। आपके आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है जी, वो सुनते हैं पहले। जी 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 जी। नमस्कार OMG ओमकार दास मानिकपुरी जी, पिपली लाइव का वो सीन बड़ा अच्छा जो रघु भाई के साथ आपने किया था। रघु भाई कहते हैं यार सरकार हम गरीबन को मरने का 50,000 देते हैं, सरकार हम गरीबन को मरने का 50,000 देते हैं, अरे देत का है मिल ही जात है, हम तो आत्महत्या करेंगे भैया मरेंगे। तो आप कहते हैं अरे आप क्यों मरेंगे भैया, हम मरेंगे। अरे तू क्या मरेगा, बाल बच्चन वाले आदमी है, हमारे जन तो लड़ने के मरने के लड़े भाव, हम मरेंगे। नहीं भैया हम मरेंगे। पक्का मरोगे, बाद में मुकद नहीं जाओगे। इस फिल्म मुझे बड़ी हंसी आई थी। तो ये फिल्म आपने बहुत अच्छी की थी और बहुत सारी फिल्में आपकी यादगार है, मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से काम करते रहे, सफल होते रहे, बहुत आपका ओमकार का ओमकार पूरी दुनिया में डंका बजता रहे और आप ओमकार दास मानिकपुरी जी पूरी दुनिया में छाए रहे, यही शुभकामना है। आप जीव हजारों साल, यही तरह से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू सुनील पाल जी, आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुंबई में आपके साथ मिलते रहते हैं, घर में बैठते हैं एक साथ और हमने फिल्म भी किया है, 2-3 फिल्म भी की है और बोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं मिलने वाला था आपसे, मिल नहीं पाया,
अभी 13 तारीख को आके 14 तारीख को जरूर मिलूंगा मैं आपसे। आपके कुछ साथी यहाँ भी हैं? हाँ जी यहाँ भी है। हाँ आप कब से जानते हैं इनको? लगभग 25 साल हो गया सर। तो ये जो बता रहे हैं सब कुछ सच सच बता रहे हैं या यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं 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 कभी ओंकार कभी झूठ नहीं बोल सकता सर, उनका जर्नी मैंने देखा है। थैंक यू। सब बोल कर लेगा झूठ कभी नहीं बोलता, बहुत स्ट्रगल किया है अपने समय में। जैसा उन्होंने बता रहा था ना हबीब तनवीर जी के यहाँ उनका जो ऑडिशन हुआ था आमिर खान जी की फिल्म के लिए, तो वहां से थक के वापस आ गया था कि मैं कलाकारी नहीं करना चाहता, आलू प्याज का ठेला लेके इधर उधर घूमना चालू कर दिया था। तो हम लोगों ने सब बधाया था ढाढ़ा सुन को कि नहीं भाई लगे रहे तू जहां पे अच्छा है। और कुछ ही दिन बाद इनका कॉल आया वहां से और फिर इनका पीपली लाइफ के लिए चयन हुआ था। तो ओंकार झूठ कभी नहीं बोल सकता। तो आप उससे पहले आलू प्याज के ठेले पे आ गए थे? जी हाँ, ये 2006 में ऐसा हुआ था कि मैं हबीब साहब जी से मैंने लड़ लिया था किसी बात को लेके, एक्टिंग एक्टिंग के बारे में बहस हुई। तो वो ज्यादातर करके उनके यहाँ छत्तीसगढ़ का ही प्ले ज्यादा होता था, तो किसी चीज को लेके ये हुआ कि मतलब छत्तीसगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, आपको क्या पता है, छत्तीसगढ़ में मैं पला बढ़ा हूँ, या आपने तो खाली छत्तीसगढ़ के कलाकार को लाके काम कराया। मैं तो इस टाइप का बहस हुआ। फिर मैंने बोला कि अभी दिवाली का जो अब छुट्टी होगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा, छत्तीसगढ़ में रुक जाऊँगा। तो फिर मैं रुक गया यहाँ और कोई काम नहीं था मेरे पास में, तो मैं सब्जी आलू प्याज सब्जी भी बेचने लगा। फिर बाद में उसमें भी मुझे लाभ नहीं हुआ, घाटा होते गया, स्थिति ऐसा हो गया कि अब खाने के लिए मोहताज होने लगा, पैसे के लिए खाने के लिए। तो फिर बाद में कंस्ट्रक्शन साइड में ठेकेदारी में काम करने चले गया कि वहाँ कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो उस समय मुझे 50 रुपये रोजी मिल रहा था। तो वो काम करते करते मुझे भोपाल से ही फोन आया, हमारे राम भैया है, उन्होंने कहा कि अरे ओंकार तुम्हें आमिर खान के फिल्म में ले रहा है और तुझे ऑडिशन देने के लिए भोपाल आना है, आ जाओ। तो फिर चरणदास चोर का शो भी लगा हुआ था देहरादून में, तो हमने सबसे पहले देहरादून में चरणदास चोर का शो करके आने के बाद में भोपाल में दूसरे दिन हम टीम के नया थिएटर के सभी कलाकार जो हैं ऑडिशन देने गया। ऑडिशन देने गया तो सबके नंबर आए, मेरा नंबर आया ही नहीं। तो कास्टिंग डायरेक्टर बोला ओंकार जी आप कल आ जाइए। तो मैं इस डर में कि यार आज मेरा ना चूक हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा के ना सेविंग किया ना कुछ नहीं, बाल बाल भी नहीं बनाया, जैसा भी है कहते वैसा पागलों जैसा मैं टेम्पू बैठ के कहते चला गया ऑडिशन देने। तो वहां मुझे स्क्रिप्ट दिया, स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ था, आपने पीपली लाइफ में देखा है कि जहाँ पे हम चौपाल इसमें बैठ के 2-4 लोग गांजा पीते रहते हैं और खेती बाड़ी वाला काम होते रहता है, तो उसमें एक डायलॉग है काय भैया जोरू के मरबे पे भी पैसा मिला था का। तो इस डायलॉग को 2 लाइन कहते इतना ही था, तो मैंने सोचा यार ये क्या डायलॉग है, इसमें इतना बोल के कैसे मैं चुप हो जाऊंगा। फिर मैंने उसको कम से कम 15 मिनट का इम्प्रोवाइज किया और फिर वो सुधीर चौक से जी ने कहा कि ओंकार जी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगा, आप जाओ। तो मैंने सुना था मुंबई में कि अकता ऑडिशन देने के बाद में सब ऐसे ही बोलते हैं, बाकी पूछते नहीं है, दोबारा कोई कॉल नहीं आता है। तो ये ध्यान में ही नहीं था। उसके 10 दिन बाद मुझे फोन आया आमिर खान प्रोडक्शन से सुधीर चौक से कही कि ओंकार जी आपको नत्था के करेक्टर के लिए कास्टिंग किए हैं हम लोग। तो मैं बोला नत्था, मैं बोला चलो ठीक है और कोई दूसरा होगा। तो उन्होंने कहा कि नत्था रघुवीर यादव का एक छोटे भाई है आप, और आपका फैमिली रहेगा, 2 बच्चे एक वाइफ और आपका भाई रहेगा, माँ रहेगा। तो फिर सब कहने लगा थिएटर में अरे तू तो स्टार बन गया, अब तू स्टार हो जाएगा, लीड रोल मिला है। मैं बोला क्या बात कर रहे हो यार,
मतलब आमिर खान अपना रोल छोड़ के मुझे थोड़े देगा मैं हाँ। फिर बाद में जब शायद मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का महीना था तो मुझे वहाँ प्रोडक्शन में बुलाया गया कास्टिंग के बाद, तो मैं भी कास्टिंग में बैठता था और क्यू देता था स्क्रिप्ट देख के, तब विश्वास हुआ कि हाँ यार मैं लीड रोल में कास्ट हुआ हूँ। और तब जाके आपको विश्वास हुआ कि आमिर खान ने अपना रोल आपको दे दिया है। हाँ, अब जब मैं एक हफ्ते बाद कहते अनुसार रिजवी जी ने मुझे कहा कि ओंकार तुमसे आज आमिर खान कहते मिलना चाह रहा है, तो मैंने बोला अच्छा अच्छा हाँ 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 आमिर खान मिलना चाह रहा है, ठीक है मिल लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उससे 2006 में मिल चुका था, हमारा शो देखने आया था वो मुंबई नेहरू से सेंटर में राजरक्त, तो मैं बोला इसके साथ तो मैं पहले फोटो खींचा चुका हूँ, तो ठीक है जाएंगे। अब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि अरे आइए आइए ओंकार जी, आपका ऑडिशन देख के बहुत अच्छा लगा और ये रोल मैं करने वाला था, आपका ऑडिशन देख के तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि ये रोल कर लूँ। तो मैंने कहा हाँ सर मैंने भी आपका वो फिल्म देखा है वो जिसमें आप टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, तो वो बोलते अच्छा अच्छा हाँ राजा हिंदुस्तानी है। फिर वहाँ से शूटिंग चालू हुआ, तो जब शूट चालू हुआ गांव में, गांव गए हम लोग लोकेशन पे, तो जो मेरे वाइफ के रोल की है शालिनी वस, वो और हम बात करते थे कि ये फिल्म कौन देखने आएगा, ना तो इसमें आमिर खान है ना सलमान खान है ना शाहरुख खान है, तुझे मुझे रघुवीर यादव को देखने कौन आएगा यार, ना गाना भी नहीं है। तो हम लोग कहते ऐसे ही बात करते थे सेट पे जब बैठे रहते थे तो और शूट के दौरान काफ़ी तकलीफ भी हुआ था, कभी कभी ऐसा होता था कि धूप हो गया शूट करते करते तो धूल धक्कड़ इतना, और मैं तो उस फिल्म के लिए एक महीना शूट चला था, एक महीना तक के सर में पानी भी नहीं डाला था, नहाना तो दूर दूर की बात है, सिर्फ ब्रश कर लेता था और सीधा सेट पे जाता था। और वही जो संघर्ष है वो आपको इस पड़ाव तक लेकर आया है, अफसोस कि यहाँ वक्त हमारा खत्म होता हुआ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया ओपन माइक छत्तीसगढ़ में आने के लिए। थैंक यू